सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLC सुभाष यदुवंशी एवं लोकसभा डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल समेत क्षेत्रीय नेता हुए। इस तिरंगा यात्रा में युवा से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सभी ने तिरंगा लेकर राष्ट्रवाद को लेकर आम जनता में संदेश देने का कार्य किया। वहीं चौखड़ा चौराहे पर इसका समापन कर सभी को संबोधित करने का कार्य भी मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया, और इस दौरान सभी को बताया गया कि किस प्रकार से शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्र करवाया। उन शहीदों को नमन करते हुए सभी ने इस तिरंगा यात्रा के महत्व को जनता के बीच रखा। वहीं मीडिया से बात करते हुए MLC सुभाष यदुवंशी ने कहा कि सैकड़ों लोगों के बलिदान के स्वरूप यह स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है, और पूर्व की सरकारों ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम या फॉर्मेलिटी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं तब से यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में हर हर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा करवाया जाता है। देखिए क्या है कि तिरंगा जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली वो असंख्य लोगों के बलिदान से मिली। असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने खून से और इस धरती को सींचा, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और इतनी अनंत गाथाओं के बीच में हमारे नौजवानों ने, अभिभावकों ने इतना सारा बलिदान दिया। उस बात को क्या था कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने सरकारी कार्यक्रम या एक फॉर्मेलिटी टाइप का बना रखा था, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर तिरंगा का कार्यक्रम करते हैं। इसमें पहले चरण में 3-4 दिन तक तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा में निकलती है, उसके बाद प्रमुख स्थलों पर जो है साफ सफाई और माल्यार्पण किया जाता है, और उसमें विभाजन विभीषिका का भी एक कार्यक्रम रहता है, और फिर अपने मकान पर, अपने प्रतिष्ठान पर, प्रत्येक गाड़ी पर तिरंगा को लगा करके और सेल्फी लेकर के और सेल्फी विद तिरंगा, ये भी कार्यक्रम रहता है। तो इस तरह से पूरा ये पखवाड़ा हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाते हैं। आज डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में और इटवा विधानसभा में बड़ी जोरदार, आप लोगों ने कवर भी किया, आपने देखा कैसे हजारों नौजवानों का हुजूम पूरी प्रचंडता के साथ, पूरी तीव्रता के साथ, पूरे वेग के साथ, पूरे आवेश के साथ और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आज पूरा चलते रहे। आप सब लोग साक्षी रहे इसके, और आप सब लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। बहुत ही शानदार ऐसा रहा। इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के हम सब लोग आज